हाँ जी, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून शिवानी सिंह जी, गुड आफ्टरनून गार्गी जी, जल्दी आइए। सुकेना रजा जी, स्टार्ट कीजिए। युवराज परागरी जी, सभी लोग आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा बालक नालायक हो रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 क्वेश्चन हमारे बचे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कराने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन। देखिए, 15 क्वेश्चन जो है, अगर मैं बात करूं 11th क्लास जिसने पढ़ी होगी, उसने ये क्वेश्चन किया होगा 11th क्लास में, गलती से है मैथ्स वालों ने। 11th क्लास पढ़ी, वो भी मैथ्स पढ़ी होगी। तो सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का एन टर्म ऑफ सम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या था? बहुत आसान तरीका बताऊंगा, वरना ये एक पेज का क्वेश्चन है। आप इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लो, कितना आया? 4 को प्लस 44 को प्लस 4 4 4 को ऐड कर लो, कितना आता है? 492। आपने कितनी वैल्यू शामिल की है बेटा? तीन। तो आपने एन 3 लिया है। अब ऑप्शन में एन की जगह 3 पुट करना है, एन की जगह, और जिससे 492 आए वही हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में लेना कैसे है? देखो, सुनो सुनो, उसका तरीका रहता हूं, और आसान करता हूं। अगर मान लो यहां पे जो भी नंबर लिखा होता है वो नंबर आता है, और डिवाइड में 9 तो जरूर आता है, इसका मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तो 4/9 तो या तो ए में या सी में, तो या तो ए होगा या सी। अगर यहां पे 6/6 लिखा होता क्या आता? 6/9 आता, ये जरूर आता है। अब इसका मतलब ए में रख के देखते हैं, फिर सी में रख के देते। तो एन की जगह कितना होगा? 3 रख के देखो, तो 4/9 करली ब्रैकेट, 10/9 10 की पावर 3 -1 -3। ठीक है, सॉल्व करें इसको। ये 4/9 ऐसी रहेगा बेटा, 10/9, 10 की पावर 3 कितना होता है बताओ? 1000, 1000 -1 कितना होगा? 999 -3। ठीक है, 9 से काटा इसको, 111। ठीक है, ठीक है जी, पक्का? तो 4/9 कितना आया? मल्टीप्लाई करो 10 से इसको, और 3 घटाओ उसमें से, 10 × 111 -3। और करो ना, सॉल्व करो भाई, कितना है कैलकुलेटर आपके पास है? ये कितना है? ये कितना है? 10। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, कितना आया? 4 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, कितना आया? 4 से मल्टीप्लाई करो इसको और 9 से डिवाइड, 480। वन जीरो सेवन याद है? तो यार आप बता, गलत आप करो, कितना है? इंटू कितना? 492 आना चाहिए। हो गया या अभी भी नहीं आए? आ गया, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती की नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, 492। उतार लो उसको। ओके बेटा, प्रियांशु भाई सही कह रहे हो आप, 492 आएगा। थोड़ी गड़बड़ होगी बच्चों से, कोई बात नहीं। पक्का या नहीं? पक्का। पेपर कब खत्म है बीकॉम के? इन बीकॉम के एग्जाम ने बहुत मस्ती पलट की है बच्चों की। अच्छा, तो
ठंड की वजह नहीं है, ठंड तो यार देखो हर दिन होगी। अब ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? आप बोल तो गर्मी में ठंड पड़ जाए ऐसा कोई ना होगा, ठंड में ठंड पड़ेगी। अब फिर ठंड चली जाएगी ना, अबे यार गर्मी कितनी हो रही है यार, ठंड सही थी, अभी तो कम से कम खाने का मजा आ रहा है एकदम मस्त, सोने का मजा आ रहा है एकदम मस्त। गर्मी में फिर गर्मी लगेगी, एसी की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। अभी तो कहीं पड़ जाओ, लौट जाओ रूम में। अब जो हॉस्टल वाले हैं वो रूम के साथ, उनका फिर एसी की जरूरत पड़ेगी गर्मी में। अक्रोच गया है अभी है नहीं चला भाई देखे, चलो अब रिजल्ट के बाद आएगा देखो, जब क्लास होगा तब देखे आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता। एक मेहनत करता है लड़का, वो पक्का पास है, वो पक्का पास है वो। हाँ अच्छा, देखते तो यही है, उम्मीद करते है कितने आते हैं उसके। इसका दोस्त एक्रोस, और उसके जो दोस्त थे तो साथ वो भी चले गए। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये भी यही क्वेश्चन है। तो पहले तीन वैल्यू को ऐड कर लो, कितना आया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, 0.321 पक्का। अब ये पॉइंटों में, तो पॉइंटों में क्या होता है बेटा, ये जो जैसे 4/9 लिखा था ना, अब क्या आएगा यहां पे तो एक है, तो 1/9 आएगा, लेकिन ये आएगा कहां, आगे या पीछे? कितना आएगा 1/9। चलिए अब ऑप्शन में पुट करते हैं किससे इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन में पुट करते हैं। चलिए बी ऑप्शन ट्राई करें सबसे पहले, चलो ट्राई करते हैं। क्या दिया भाई, 1/9, एन कितना रखा 3, माइनस 0.1 की पावर 3 पूरे डिवाइडेड बाय 9। ठीक है इसको सॉल्व करना, 1/9 3, 1 माइनस 0.1 की पावर 3, तो 0.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना है 0.1 को 3 बार कितना आया 0.00, ये आ रहा है डिवाइड बाय 9, तो 1/9 3 माइनस करो, 1 में से ये माइनस करो, 9 से डिवाइड करो, 1 में से ये माइनस करो, 9 से डिवाइड करो, 1 में से ये माइनस करो, 9 से डिवाइड करो, पॉइंट 1 में से घटाओ और 9 से डिवाइड करो, पॉइंट 999 ये आ रहा है डिवाइड करके घटा के, 111 आएगा ना, डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, फिर इसको घटा के फिर मल्टीप्लाई करो, इसमें से घटाओ फिर 9 से डिवाइड करो इसको, डिवाइड में ना 9 से डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, आ गया यही तो लाना 0.321। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बेटा थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड हैं, आपको क्वेश्चन करनी है इसमें, और कैलकुलेटर की क्वेश्चन करनी है, और वो आपकी गलत होगी तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां 4 था, यहां पे पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, फोर के 1/9 तो बचा भाई, 4 था तो 4/9 आता, 1 है तो 1/9, जो भी नंबर होगा 1 में 9 जरूर आएगा हर किसी के, अब 1 में 9 जरूर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर, अगर मान लो ये 6/6 होता तो 6/9 आता,
जो नंबर है वो बटे में 9 जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के कितने टर्म बेटा इज 244 टाइम्स, कितने टाइम है 244 टाइम्स है। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, पहले 10 टर्म के, तो पहले जीपी का टर्म सम, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, सम का या तो आर की वैल्यू एक से बड़ी या आर की वैल्यू एक से छोटी, ट्रिक के अलावा। अब यहां पे कैसे पता लगे कौन सा लगाएंगे, क्या ऑप्शन में कोई आंसर एक से छोटा है, इसका मतलब आर बराबर ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो जब आर ग्रेटर देन 1 होता है तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन, आप चेक करो ना मैंने लिखवाया हुआ है एस एन का, चेक करो बेटा। अब एन कितना रखना है सर, एन रखना कितना पहले 20 टर्म, तो एन की जगह पुट कर दो 20, ए आर की पावर 20 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये आ गया एस 20। फिर निकालना है कितना 10 टर्म का सम, तो फिर निकालो एस 10, ए आर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, निकाल लिया। ये बताओ दूर निकल गए निकल गए, पहले बताओ 10वां टर्म निकाल लिया 20वां सम निकाल लिया, फटाफट उतार लो इसको, फटाफट उतार लो इसको, 10वां टर्म भी और 20 का टोटल और 10 का टोटल दोनों निकाल लो बेटा। हो गया बेटा पक्का, चलो आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि जो पहले 20 टर्म का टोटल है, पहले 20 का मतलब एस 20 जो है वो बराबर किसके है, हेलो 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 हेलो, वो क्या कह रहा है पहले 20 टर्म का जो टोटल है वो क्या है 244 टाइम्स ऑफ किसके, एस 10 के। अब 20 टर्म का टोटल है कितना, ए आर की पावर 20 माइनस 1 अपॉन आर में इक्वल टू 244 ए आर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इससे ये कट गया, ए से ए कट गया, आर की 20 को मिल सकता हूं आर की पावर 10 का स्क्वायर और 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 का स्क्वायर। सर आपने ऐसा क्यों किया बताता हूं, अब ये ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इक्वल टू 244 आर की 10 माइनस 1, इससे कट गया, तो आर की 10 प्लस 1 बराबर 244, चलो इतना उतार लो पहले, आर की 10 प्लस 1 बराबर 244।
अलग है, थोड़ी धूप निकल रही है। कल तो बहुत ठंड थी भाई। तुम्हारे दोस्त नहीं आए आज? ऑनलाइन है। क्या नाम है बालिका का? शिवानी। सर ऑप्शन को कैसे आ जाते? अभी देखो दोबारा बताता हूँ, बताओ फिलहाल ही उतार लो फिर बताते हैं, दोबारा कराएंगे ऑप्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें बल्कि बताएंगे। फिलहाल आ गया बेटा ये तो, आर की पावर 10 + 1/244। अब देखो तो आपका ये आ चुका है, क्या आ चुका है? आर की पावर 10 + 1/244। तो आर की 10 = 244 - 1, आर की 10 = कितना आएगा? 243। अब 243 होता है 3 की पावर 5। अब यहां पे पावर 5 है, यहां पे पावर कितना है? 10। तो भाई 5 को दबाना तो करेक्ट हो गया, आर की पावर 10, इसलिए सकते हैं 3। ये बताओ √3 × √3 कितना होता है? हो सकता है तो इस 3 को भी सकता हूं √3 × √3 की पावर, लिख सकता हूं। ये कितना हो गया? √3 की पावर 2 भाई 3 को मैं लिखा √3 × √3, √3 दो बार दो लिख दिया, 2 × 5 = 10। तो आर की पावर 10 = √3 की पावर 10, 10 से 10 कट गया। जब रूट में आया तो एक बार रूट में प्लस भी और माइनस, क्योंकि रूट निकालने पे क्या आता है? प्लस माइनस। तो ऑप्शन कौन सा बताओ, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चे कहेंगे अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, उतार लो फिर अब करवाते हैं दोबारा से, इन तीनों क्वेश्चन को दोबारा कराता हूँ मैं, चिंता मत करो। जब तक नहीं सीखोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलो फिर आराम आराम से दोबारा करेंगे, ठीक है? लाइफ में बस आगे पढ़ना है और अच्छा नाम करवाना है। या नहीं क्लियर? अरे बोलो यस और नो। चलो अब हमारे पास आर भी आ गया, ये भी आ गया, अब हमारे को इन क्वेश्चन को दोबारा करना है। मुझे पता है कि जो पहली बार करते हैं उनकी हालत खस्ता रहती है इन क्वेश्चन करके। हाँ जी बच्चों दोबारा करने जा रहे हैं, घबराइए मत, दोबारा से घबराने से कोई काम है? काम चलता है, काम चलता है दोबारा से करने से। तो पहले तो हम ये करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 17 किया है इसी को मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ, 17 क्वेश्चन, ठीक है? अब एक बच्चे ने बोला सर क्या ये कैलकुलेटर पे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहां भी √3 है और यहां भी √3 है, दोनों सेम आंसर्स हैं, और फिर ऑप्शन से पुट करके हो सकता है, और कोई ऑप्शन है नहीं इसका अवेलेबल, ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी, कह रहा है जीपी के पहले 20 टर्म का जो टोटल है वो है 244 टाइम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, पहले 10 टर्म के बराबर।
तो जीपी के पहले 20 श्रम का टोटल, तो अब जीपी का टोटल निकालना है। अब टोटल निकालने के लिए दो कंडीशन होते हैं, या तो आर की वैल्यू एक से बड़ी या आर की वैल्यू एक से छोटी। अब ऑप्शन में चेक कर लो कि आर की वैल्यू एक से बड़ी दे रखी है या आर की वैल्यू एक से, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर की आर की वैल्यू एक से बड़ी दे रखी है, इसलिए हम भी आर की वैल्यू एक से बड़ी वाला ऑप्शन एप्लीकेबल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था एसएन का? सर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, अब निकालेंगे 20 टर्म का टोटल, तो एन की जगह 20 पुट कर देंगे, ए आर की पावर 20 माइनस वन आर माइनस वन। फिर हम करेंगे आर की जगह 10, क्योंकि 10 निकालना है, तो ए ऐसे ही रहेगा, आर की पावर 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस। क्या आपको पहली और दूसरी इक्वेशन में कोई दिक्कत? उतारो, मैं तो दोबारा दो, तुम भी उतारो दो बार, जितनी बार मैं करूँ उतनी बार तुमसे उतरवाऊंगा ये क्वेश्चन। है ये कोई ना कि मैं ही पनिशमेंट खाऊंगा, तुम भी पनिशमेंट लोगे। सर कॉपी भर, कॉपी भरने दो, क्या कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलते हैं एग्जाम में करने के, और एग्जाम में तब करो जब कॉपी में 3 जवाब प्रैक्टिस करोगे। बहुत तो वो दोनों भी नहीं आए, ओखला से जो आता है एक वहां से आता है, शादा वगैरह है। और कुछ बच्चे हॉस्टल में हैं, बदतमीज। समझ गए या नहीं? पक्का? चलो ये बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ने के बाद ये दोनों उतार लिया, अब वो क्या कह रहा है कि 20 टर्म का जो टोटल है, वो क्या कह रहा है, 20 टर्म का जो टोटल है वो कितना है? 244 टाइम द फर्स्ट है, तो मतलब S20 जो है वो बराबर है 240 S10 के। तो S20 कितना आता है? ए आर की पावर 20 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 244 ए आर की पावर 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इससे कट गया, ए से ए कट गया, आर की 20 को लेता हूं, आर 10 का स्क्वायर, इस वन को वन का स्क्वायर करो क्यूब करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 244 आर के 10 माइनस 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इससे ही कट गया, तो क्या आया आर की 10 प्लस 1 इक्वल टू 244, आर की 10 बराबर 244 माइनस 1, आर की 10 बराबर 243। इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या कर सकते हैं, आर की 10 ऐसे 243 की पावर 5, यहां 10 है यहां पे 5, तो इस 5 को 10 बनाना है, तो हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, बात तो वही है, तो आर की 10 क्या आएगा, रूट 3 की पावर 10, 10 से 10 कट गया, आर का कितना आ गया रूट 3, रूट लगाया तो क्या आएगा प्लस माइनस। आई बात समझ में? एक बार और या नहीं? जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन है? यस बेटा, आर की वैल्यू एक से कैसे बढ़ी है? क्योंकि सारे आंसर 3√3 दे रखे हैं, इस कारण से एक से बढ़ी है, सारे ऑप्शन में √3 या 3 दे रखा है, रूट थ्री हो चाहे रूट थ्री हो, लेकिन माइनस वाला रूट लगाते हैं, लेकिन हमेशा आर की वैल्यू, इसीलिए तो प्लस माइनस लिया है कि या तो छोटी हो सकती है बड़ी।
अगर आप छोटी लेके चलोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, क्योंकि वो भी वही रहेगा, कटकुटा के वही आ जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 दोबारा से, 15वां क्वेश्चन। बेटा जब भी रूट निकालोगे ना तब भी प्लस माइनस आता है हमेशा, चाहे रूट की पावर 2 निकालो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये रूट यहाँ पे आ गया, जब रूट लगता है तो हमेशा प्लस माइनस आता है, जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस हमेशा आते आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ एन टर्म्स। मैंने क्या बोला था इसके अंदर, पहले तीनों वैल्यू को जोड़ो, कितना है जोड़ के, ये आया 4। फिर मैंने कहा था जो नंबर यहां लिखा होता है उसके बटे में वो 9 और होता है, तो ए में भी ये है और सी में भी है, लेकिन बी में नहीं है और डी में नहीं है, वो नंबर और डिवाइड में 9 होगा होगा, ठीक है राइट। तो या तो ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन है। तो पहले मैंने ए को ट्राई किया, 4/9 कर्ली ब्रैकेट 10/9 10 की पावर एन, एन कितने 3 लिया मैंने, क्योंकि तो 3 वैल्यू को ऐड किया है, -3, तो 4/9 10/9, 10^3 कितना होता है 1000 -1 -3। चलो सॉल्व करके बताओ क्या ये 492 आ रहा है, आ रहा है तो यही हमारा आंसर है, अदरवाइज ये हमारा आंसर नहीं है। हो गया अपना एक ही उसूल, बार बार क्वेश्चन करो, देखता हूं क्वेश्चन की औकात कहां बसती है। अगर आपने 3 बार क्वेश्चन कर लिया ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ना तो भी आ जाएगा, ना तो आंसर याद हो जाएगा उसका। हाँ जी बता दिया बेटा सौम्या, 15। चलो 16 भी देखो, अब आ गया 16 में भी ये रूल्स लगेगा, यहां 1 दिया हुआ, 1/9 तो होना चाहिए, तो 1/9 सर सी में नहीं है, तो सी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या बी होगा। अब हमने किया बेटा सी की बात, हमने इन तीनों वैल्यू को जोड़ो, तीनों वैल्यू को जोड़ो कितना आता है, सर आता है 0.321, ठीक है। हमने बी ऑप्शन ट्राई किया, 1/9 करली ब्रैकेट एन माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर एन 9। चलो एन की जगह पुट करो कितना बेटा 3, तो 3 माइनस 1.0.1 की पावर 3/9। सॉल्व करके, ये पूरा सॉल्व करके 0.32 बनाना चाहिए, आ गया तो हमारा आंसर यही है, नहीं आया तो गलत है। या कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 1/1 है ना बेटा, तो 1 है और 9 तो डिवाइड में आते ही आता है, जैसे यहाँ 4/9 आया था वही है ना, जो नंबर है वो ऊपर और 9 तो आएगा आएगा, ये एक समझ लो आपका रूल्स है। ठीक है अब ये तीनों क्वेश्चन
एक बार आप भी करो तीनों क्वेश्चन, फिर मैं अगले एक्सरसाइज पूछूंगा। जब तक आप नहीं करोगे तो मैं को अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने दो दो बार करे तो आप भी एक बार बनता। और फटाफट से ये तीनों क्वेश्चन एक बार करो अपने आप। कोई बात नहीं बेटा, एक बार और फिर अगले एक्सरसाइज पहुंच जाएंगे। स्लोली स्लोली आराम आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई, आपने टॉप करना बस। आईसीआई में 60 नंबर लिया बस बहुत है पास होने के लिए, 60 चाहिए ना मैथ्स में, वैसे 40 चाहिए लेकिन 20 नंबर एक्स्ट्रा। भाई नॉन मैथ्स वाले बच्चे हो तो 60 लियो, मैथ्स वाले हो तो 80-90 लियो बस। पास होने के लिए केवल एक ही फंडार, 5 चैप्टर और एलआर बस पास। तीन बस। हाँ जी बच्चों हुआ, ए प्यारे बाल को हुआ, हो गया सर, यस डन डन, वेरी गुड, शाबाश। अब करेंगे हम अगली वाली एक्सरसाइज। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, तीन तीन बार करा दिया, दो बार मैंने करा दिया, एक बार आपने कर लिया।
चलो जी, अब आता है बेटा अगली वाली एक्सरसाइज। पहले एक जैसे क्वेश्चन करेंगे फिर उसका दूसरे। चलिए जी करें। कराया जाए। चलिए 6C एक्सरसाइज 6C करा जाए। क्या कह रहा है? थ्री नंबर्स आर इन एपी। कह रहा है तीन नंबर एपी के अंदर है, उनका टोटल कितना है? 21। इफ 1, 5, 15 आर एडिड टू देम, अगर इसमें 1, 5 और 15 ऐड कर दे, दे फॉर्म जीपी, वो क्या बन जाएंगे बेटा? जीपी। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है ऑप्शन से। पहले ये चेक करो कौन सा नंबर एपी में है, ऑप्शन में, सॉरी एपी में लिखा ना, ये आर इन एपी लिखा ना, ये बताओ एपी में है? है ये है नहीं एपी में, क्योंकि डिफरेंस है माइनस, ये नहीं है, केवल पहला नंबर एपी में है। अब चेक करो कंडीशन, इन तीनों का टोटल क्या 21 आ रहा है? 21 आ रहा है। अब जैसे 5, 7 और 9, इसमें पहले में क्या ऐड करना है? 1, पहले में 1 ऐड करो, दूसरे में 5 ऐड करो, तीसरे में 15, तो कितना बना? 6, 12 और 24। क्या ये जीपी में आ रहा है? अब कह रहा है 1, 5, 15 ऐड करने पर ये जीपी में बन जाना चाहिए, ये बन रहा है जीपी में, देखो ना दो दो आर आर, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मजे मजे में करो, कोनो जल्दी नहीं है, जून में पेपर है 24 तारीख से या 26 तारीख से, पूरे 6 महीने हैं, है? अब देखो रिवीजन भी साथ साथ कराता है, तो मैं दो दो बार कराता हूं, रिवीजन तो आप करते रहिए प्रैक्टिस अच्छे से, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी तभी आप टॉप कर पाओगे, टॉप मतलब पास। चलिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसी करवाते, एक और क्वेश्चन नंबर 7 सेम ही तो है ऐसी। सम ऑफ थ्री नंबर आर इन एपी, कह रहा है तीन नंबर किसमें? एपी में, उनका टोटल कितना है इस बार? उनका टोटल कितना है? 15। अब पहले में 1, 4, 19 जोड़ दो तो किस बनते हैं वो? सेम क्वेश्चन तो है। अब ऑप्शन से चेक करो कौन सा एपी में और कौन सा एपी में नहीं है। पहला चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं है, 26, 5 और माइनस, एपी में क्या था? कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो घटाओ 5 में से 26 घटाओ, 5 माइनस 26 कितना बच रहा है? -21। फिर -16 में से कितना घटाओ? -5 घटाओ, कितना बच रहा है? अरे सर ये तो एपी में है, एपी में है। अब चेक करते हैं जीपी में कन्वर्ट होते नहीं होते, 26, 5, -16 पहले में क्या ऐड करना है? 1, फिर कितना ऐड करना है? 4, फिर कितना ऐड करना है? 19, ये कितना बन गया? 27, ये 9, ये 3, ये जीपी में है या नहीं है? है जीपी में, कैसे सर? a2 by a1 1/3 आ गया, a3 by a2 कितना? 1/3 नहीं आ गया, दोनों बार आर बराबर आ रहा था जीपी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है। बी चेक करो, बी जीपी में है क्या? एपी में, बी एपी में है या नहीं है? है, इसको भी चेक करते हैं, 2, 5, 8 पहले में कितना ऐड करना है? 1, फिर 4, फिर 9, ये 3, 9 तो नहीं बन रहा, इसको चेक करो
पांच आठ एक चार 19 ऐड करना, नौ नहीं 19, सॉरी 27 बन रहा है ये, तो ये भी है ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी है, सी तो जीपी में है ही नहीं, एपी में है ही नहीं, तो उसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन है इसके, ए और बी दोनों ऑप्शन है, उतार लो इसको। सेम एक जैसे क्वेश्चन करने हैं आपको, पहले क्या करता है बेटा, तीनों का टोटल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, फिर पहले में एक ऐड करो, फिर चार ऐड करो, फिर 19 ऐड करो, वो जीपी बन जाना चाहिए। अगर जीपी बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो जीपी नहीं है। चलो एक और करवाता हूं, उसके बाद इस जैसा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो सी को मैंने टाइप कब टिक करा, हाँ तो ए और बी बोला है मैंने, सी नहीं बन रहा बेटा, एपी, सी तो एपी बन ही नहीं रहा। हो गया जी या नहीं हुआ, हो गया। क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, क्या कह रहा है 12 क्वेश्चन। थ्री नंबर्स आर इन एपी, देयर सम इज, उनका टोटल 15 होना चाहिए, आठ छह और चार भी एडिड, पहले में आठ ऐड करो, दूसरे में छह, तीसरे में चार, तो क्या बन जाते हैं वो जीपी में। तो पहले ऑप्शन से पता लगाओ कौन सा नंबर एपी में है, क्या ये एपी में है, नहीं, क्या ये एपी में है, नहीं, केवल ये एपी में है। अभी तो तीन पांच और सात को चेक करते हैं, इसमें आठ ऐड करो, इसमें छह, इसमें चार, तो ये 11, ये भी 11 और ये भी 11, रेशियो निकालोगे 11/11 एक, फिर 11/11 इक्वल टू एक, इसका मतलब ये जीपी में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी या नहीं, पक्का जी या नहीं हुआ भाई, मुझे तो आ गया, आपका पता नहीं, आपको भी आ गया, गुड। अभी तीनों क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं मैं, ये तीनों क्वेश्चन दोबारा देख लो अभी एक बार। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों आप बताइए आपको क्या पूछना है, सी सी सी, हाँ बेटा जब बोर्ड होंगे तब आपको दिक्कत होगा, नो डाउट, तब आपका जो रिकॉर्डेड क्लास होगी वो आप देख लेना, बाकी रिवाइज कराएंगे हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। थ्री नंबर आर इन एपी, कह रहा तीन नंबर एपी में है, उनका सम कितना है 21, पहले में वन ऐड करो, फिर 515, वो क्या हो जाते हैं जीपी हो जाते हैं, तो चेक करो ऑप्शन से कौन सा एपी में है, क्या पहला वाला एपी में है भाई, डिफरेंस बराबर नहीं है। अब इसको देखते कन्वर्ट करके, 579, पहले में क्या ऐड करो एक, फिर पांच, फिर 15, ये छ, ये 12, ये 24, बन गया जीपी में ये, तो ऑप्शन ए तो हो गया। बी क्या एपी में, नहीं, तो आंसर नहीं होगा, ये एपी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7,
अब जो सेम क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने क्या पहला क्वेश्चन दिया फिर सेवन दे दिया, अबे एक साथ दे तीनों क्वेश्चन हमें आसानी रहती। सेम क्वेश्चन दे दिया, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ थ्री नंबर आर इन एपी में तीन नंबर का टोटल कितना 15 है, 1 4 19 है, 1 4 19 करके तो वो क्या जीव बन जाएंगे। तो चेक करो पहला क्या एपी में है, 26 5 और माइनस वन क्या एपी में है, ये -21 ये भी -20 एपी में है। अब इसका करा पहले में कितना ऐड करना है, एक दूसरे में चार, यहां पे 19 ये 27 9 3 एपी जीपी बन गया। तो पहला ऑप्शन है, सेकंड चेक करो ये एपी में है, हाँ सर एपी में है। अब इसको चेक करो 2 5 8 पहले में ऐड करो 1 फिर 4 फिर 19 3 9 27 ये भी जीपी बन गया। तो ये भी है, इसका मतलब ए बी और बी भी है, सी तो है ही नहीं जीपी में तो ये नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 12 12 करो, थ्री नंबर आर इन तीन नंबर एपी में, उनका टोटल कितना है 15, 8 6 4 भी एडिड, 8 और 6 और 4 जोड़ा जाए तो तीन नंबर का टोटल कितना 15 है उसमें। तो पहले देखो एपी में बन रहा है ये नहीं, ये भी नहीं, ये बन रहा है 3 5 7 इनका टोटल 15 आ रहा है। पहले में 8 जोड़ो फिर 6 फिर 4 कितना बना 11, ये भी जीपी बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ दोबारा कराऊं क्या कोई क्वेश्चन दोबारा कराऊं तीनों में से, अब तो अच्छे से आगे हो गए क्वेश्चन। चलो जी देखिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, एक ही क्वेश्चन दो दो बार करा रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, एक बार में खोपड़ी में घुसता नहीं है। कोर्स पूरा कराना मेरा टारगेट नहीं है, अगर कोर्स पूरा कराना होता मेरा टारगेट तो मैं एक बार आगे अब तक का एक्सरसाइज कब की खत्म कर चुका होता है, हर एक्सरसाइज में दो दो बार क्वेश्चन करे आ रहे हैं हम लोगों ने। चलिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ये आपकी सीरीज देखिए इसका निकालना है सम टू इनफाइनाइट। तो सम टू इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन 1 - r, याद करो लास्ट क्या हुआ था, ए कितना है 1 1 - r कितना है बड़े 2/3, तो 1/3 = 3 और एक कितना है 2 1/3, ये 3 ऊपर आ गया तो कितना आ गया आंसर 3 3 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी उतार लो, ऑप्शन नंबर बी। हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
सिक्स सम ऑफ थ्री नंबर आर इन जीपी, जीपी के तीन नंबर का टोटल कितना है 70। टू एक्स टी बाय बाय कह रहा जो एक्स होता आखिर के नंबर, आखिर के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो और बीच के नंबर को 5 से, तो वो बन जाएगा एपी। वो क्या बन जाएगा एपी। अब ये पता लगाओ सबसे पहले कौन सा नंबर जीपी में, क्या ए ऑप्शन जीपी में है? नो सर, ये जीपी में है 10, 20 और 40 जीपी में। अब कह रहा आखिर के नंबर को, कह रहा है एक्स टू एक्स टी बाय मल्टीप्लाई, तो आखिर के इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी कितना आ गया 40, ये 80, और इसको किससे मल्टीप्लाई 5 से ना 160 आ गया। ठीक है, अब बताओ ये एपी में बन रहे नहीं बन रहे, सबका डिफरेंस बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया। अब अगला चेक करते हैं 40, 20, 10, इसके आखिर के नंबर को और इसको, तो ये 160, ये 100 और ये क्या, ये एपी में बन रहा है? हाँ सर ये भी बन रहा है, सबका डिफरेंस बराबर आ रहा है। खिलाफ बी बी इसका आंसर है और सी बी इसका आंसर है। चलो उतार लो, बी बी इसका आंसर और सी बी इसका आंसर है, बी बी आंसर और सी बी आंसर। देखो बेटा इंट्रीगेशन जो है आपका टोटल दो नंबर का आता है, ओनली दो नंबर का कैलकुलस आपकी जो 12th वाली है वो दो नंबर की है, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्टकट से हो जाते हैं, मतलब काफ़ी हद तक शॉर्टकट है, बाकी 100% तो शॉर्टकट नहीं कहूँगा मैं। ठीक है, लेकिन हो जाते उसके क्वेश्चन भी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उसके अंदर, 12th में है। बेटा बात समझ में आ रही है जो क्वेश्चन करा रहा हूँ? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, अरे बोलो कौन सा, नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्या कह रहा है भाई साहब देखो। टर्म आर इन कौन कौन से एपी में, 2x, x प्लस 10 और ये एपी में, तो ये a1 हो गया, ये a2 और ये a3, तो d निकालो, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना x प्लस 10 माइनस 2x, कितना आ गया माइनस x प्लस 10, d आ गया। फिर दोबारा d निकालो इससे, a3 माइनस a2, तो 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10, तो 2x माइनस 8, ये आ गया d। अब आप जानते हैं एपी में दोनों d क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो दोनों को डाल दो, माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 8, तो माइनस 3x बराबर माइनस 18, तो x बराबर आ गया 6, तो 6 ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें किया था, 15/2 आंसर आया था बी एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में एपी की। तो जब भी एपी में कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उनका कॉमन डिफरेंस निकाल के बराबर रख दो, ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, दोनों को बराबर रख दो।
चलिए हो गया बेटा। तो माइनस लगाने साइड चेंज हो जाता ना, तो माइनस लगाओ साइड चेंज हो गया बेटा। ये इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस साइन चेंज। कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलो आराम आराम से, स्लोली स्लोली हमने पढ़ना है और टॉप करना है। चलिए अगला। अच्छा आपने कभी एएम सुना है क्या होता है? जीएम और एचएम नहीं सुना होगा, अभी आपने सुना नहीं। ये पढ़ोगे स्टैट्स में। एम होता है अर्थमेटिक मीन, जीएम क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, एचएम क्या होता है हार्मोनिक मीन। एम की जो वैल्यू होती है हमेशा किससे बड़ी होती है? जीएम से। और जीएम होता है सर एचएम से। ये बड़ी या बराबर होगी? ठीक है, तो बड़ी या बराबर कब होती है? जब हर वैल्यू बराबर हो, मतलब दस दस दस, बीस बीस। और बड़ी कब होगी? जब अनइक्वल वैल्यू। क्या होगी? तो अनइक्वल वैल्यू में एम किससे बड़ा होगा और जीएम किससे बड़ा होगा? एचएम से। अब जैसे यहां कह रहा है ए बी द अर्थमेटिक मीन, अनइक्वल क्वांटिटीज, जी द ज्योमेट्रिक मीन, देन क्या होगा? एएम किससे बड़ा? जी से। तो ऑप्शन नंबर बी। एएम को ए कहते हैं ना बेटा, ये तो ए बड़ा किससे हो गया? जी से। चलो अभी पढ़ाएंगे हम एएम जीएम के क्वेश्चन, हमेशा आते हैं एग्जाम में, हमेशा ही क्वेश्चन आता रहता है इसका। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क यह है बेटा कि हमें मेहनत करनी है, और मेहनत कैसे करनी है? पढ़ के करनी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी, आज क्लास है लोगे? अंकुर सर आया, अभी चाय पी के आए मेरे साथ। चलो जी, हो गया। अब एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप, ए एम जी एम और एच। अनइक्वल नहीं, इक्वल होता तब होता है ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम, अगर इक्वल होता तो। तीन इक्वल होते हैं। ये पढ़ेंगे हम स्टैट्स में पूरा रिलेशन, लेकिन यहां पर सिर्फ थोड़ा सा है इसलिए थोड़ा सा भी समझो। ए एम जी एम और एच एम में रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। ए एम बराबर जी एम जो होता है, जी एम, जी एम क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। जो जी एम होता है ये बराबर होता है ए एम और एच एम के रूट के। ये अभी सिर्फ लिख लो रिलेशन, बाद में हम स्टैट से पढ़ेंगे। जीएम क्या होता है? एएम और एचएम के मल्टीप्लाई के। अब एएम कैसे निकालते हैं? मान लो दो नंबर है तो एम होगा ए प्लस बी डिवाइड बाय टू। और जीएम कैसे निकालते हैं? ए इंटू बी का रूट, ए इंटू बी का रूट, ये जीएम होता है। एम होता है दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय टू। जीएम क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लाई करो रूट निकालो, जीएम बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है द एएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, के एम कितना दिया हुआ है और जीएम कितना दिया हुआ है, बताओ वो नंबर कौन से हैं। चलो चेक करते हैं। मान ले नंबर 72 और 8 लिए, तो एम निकालो पहले।